दिवस जैसे कला, साहित्य और मनोरंजन आज हमारी अंगुलियों पे है। बाहर की देश दुनिया से हम परिचित हो रहे हैं। आज के दिन ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, और बुनियादी प्रासंगिक ढांचे में कमी के कारण इतिहास में बहुत लंबे समय से जानकारी का अभाव रहा है। तो बंबई के कुछ व्यापारियों ने पहली बार एक प्रसारण क्लब की स्थापना किया और जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया। उसके 5 महीने बाद कलकत्ता में लोगों ने राष्ट्रीय प्रसारण क्लब की स्थापना किया, जो कि ऑल इंडिया रेडियो बाद में बना। उसका नाम बदलता रहा, कभी विविध भारती होता रहा समय के साथ साथ। तो ये तो थी पहली जानकारी, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दूसरा चीज, आपके स्कूल में नवंबर दिसंबर मंथ में गेम होने वाले हैं, होता है ना, तो इंडोर गेम भी होता है, चेस होता है। 20 जुलाई को सैटरडे को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस था, जिसको गुप्त साम्राज्य के समय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तरी महाद्वीप में हमारे यहाँ उसकी शुरुआत मानी जाती है शतरंज की, जिसको पहले चतुरंग बोला जाता था। अब शतरंज के एक महानतम खिलाड़ी का नाम आप सुने ही होंगे, विश्वनाथन आनंद। बिल्कुल सर, जानते हैं ना। और भी खिलाड़ी है, ये जो है मानसिक सूझबूझ और समझ को विकसित करता है। इसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। तो 2 जानकारियां हो गई, एक जानकारी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। थैंक यू।